बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। गाइस, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैं चंडीगढ़ आया हुआ हूँ, तो अभी तक अपने घर नहीं गया हूँ। तो ना सबको आईपीएल का मैच दिखाया जाए, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया जब मैच देखने जा रहे हैं, सबके लिए सरप्राइज है। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम जा रहे हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, सबके लिए सरप्राइज है। आपको पता है कि नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? पापा, हमको नहीं पता, आप कहाँ पे लेके जा रहे हो? आपके लिए सरप्राइज है। ओके पापा। भाभी का आपको पता है बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए सरप्राइज है, हम आपको बताएंगे नहीं हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। ओके नित्तू को भी नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ गाड़ी पार्किंग पे लगा दिए, हम गाड़ी से उतर चुके हैं, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम स्टेडियम के नज़दीक पहुँचे हैं तो सबको स्टेडियम की लाइट दिख गई है, तो इनको पता लग गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं मैच देखने। कैसा लगा सरप्राइज? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, मैंने पहले कभी स्टेडियम में देखा है, आज पहली बार देखने स्टेडियम में। जी बेटा, आपको पता लग गया हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं, किस लिए? अब इनको पता लग चुका है कि हम जा रहे हैं मैच देखने, क्योंकि यहाँ से स्टेडियम की लाइटें दिख रही है। आप कैसा फील कर रहे हो बेटा? आपको कौन पसंद है बताओ जल्दी। हमारी गाड़ी बहुत पहले पार्क हो चुकी है, तब तो हमें बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ेगा। कहाँ पे जा रहे हो आप? यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, सब लोग पैदल पैदल जा रहे हैं बहुत दूर तक। पीछे भी बहुत बड़े लंबी लाइन लगी हुई है। मामा, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, अब एंट्री करेंगे। यहाँ सबकी चेकिंग हो रही है। छोटी गाड़ी को जा रहे हैं, चलो चलो चलो, अब हम करवा रहे हैं सबकी चेकिंग। अब भाभी आ जाओ, आ जाओ, फर्स्ट टाइम है जो स्टेडियम में मैच देखेंगे। ग्रेविल कैसा लग रहा है, आप बताओ। भूमिका कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? पापा, जी बेटा, आपको कैसा लग रहा है भूमिका? जी बेटा, मजा आ रहा है।
मेरे भी लैपटॉप में जा रहा है। नीतू फर्स्ट टाइम स्टेडियम में आके कैसा लग रहा है? मेरे भी लोग भविष्य का झंडे लहरा रहे हैं किंग्स इलेवन पंजाब के, इनको बहुत मजा आ रहा है। बहुत साफ सुथरा स्टेडियम है, स्टेडियम का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेडियम में बहुत अच्छी घास लगी हुई है। आज का मैच राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। 7 बजे मैच स्टार्ट होगा। टीम ग्राउंड में आ चुकी है, राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग है और किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग। किंग्स इलेवन पंजाब के दोनों ओपनर क्रीज पे आ चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स ने फील्डिंग सजा दी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेट्स प्ले। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच वाइड बॉल, पहली बॉल। पंजाब का पहला विकेट गिर गया। पंजाब का स्कोर है 3.3 ओवर में 27 पे 1। वहाँ पे देखो क्या लग रहा है। ये हमारे सामने बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट खड़े हैं, बिल्कुल सामने हमारे। पंजाब का दूसरा विकेट गिर चुका है। चैन का स्कोर हुआ है 6.2 ओवर 41 रन 2 विकेट्स। सीएट स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो चुका है 5 मिनट का। एमी विर्क सिंगर है हमें मैच देखने के लिए, हमसे थोड़ा ऊपर ही है पर हम वहाँ जा नहीं सकते। पंजाब का स्कोर हुआ है 19 ओवर के बाद 141 पे 7। ये लास्ट ओवर चल रहा है, लास्ट ओवर में कितने रन बनेंगे? पंकज लास्ट ओवर में कितने रन बनेंगे? लास्ट ओवर में कितने रन बनेंगे? बोल भाई कितने बनेंगे? ठीक है, इन सब ने बोला था कि लास्ट ओवर में 20 रन और 15 रन बनेंगे, पर मुझे तो नहीं लगता किसी का भी ठीक होगा। लास्ट बॉल में कितने रन? बोल लास्ट बोला, बोल मैच की लास्ट इनिंग की लास्ट बॉल। सबने अपना अपना बताया है, किसी ने 6, किसी ने 4, किसी ने 2 और ये लास्ट बॉल पे आउट। सबका प्रेडिक्शन गलत, सबका प्रेडिक्शन गलत, लास्ट बॉल पे आउट। राजस्थान रॉयल्स को 148 रन का टारगेट मिला है जो कि कुछ ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है ग्राउंड के हिसाब से। स्टेडियम में अंधेरा कर दिया गया है, बहुत ही अच्छी लेजर लाइट है। पहली बॉल, पहली बॉल पे 3 रन। पांच ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर हुआ है 36 और 0। राजस्थान
राजस्थान रॉयल्स का पहला विकेट गिर चुका है। राजस्थान का स्कोर हुआ है 8.2 ओवर में 56/1। साथ चार्जिंग टाइम आउट भी हो चुका है। बच्चे थक चुके हैं मैच देख के, इनको नींद आने लगी है। ग्रेविल नींद आ रही है बेटा, सो जाओ। ग्रेविल ओवर काउंट कर रहा है, 10 ओवर हो गए हैं। अभी का स्माइल कर रही है झंडे को लेके। राजस्थान रॉयल की एक और विकेट गिर चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बहुत मजा आ रहा है मैच देख के। भविका अपनी मम्मी के साथ खेल रही है, छुप रही है। भवि बहुत एंजॉय कर रही है। इस मैच में सबसे ज्यादा एंजॉय भवि ने किया। जी बेटा, बहुत सुंदर लग रहे हो। नवी और ग्रेविल एक दूसरे को हॉली कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों बच्चे। राजस्थान मैच जीत चुकी है, उसको 10 बॉलों में 12 रन चाहिए और 5 विकेट उसके अभी बाकी है। अभी कन्फर्म लग रहा था कि राजस्थान मैच जीत जाएगी, पर राजस्थान की एक विकेट और गिर चुकी है। अब देखते हैं मैच में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है। ये है धोनी बेस्टो जो बिल्कुल हमारे पास खड़े हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इसे बिल्कुल साफ देख पा रहा हूँ, धोनी बेस्टो मेरे बिल्कुल सामने खड़े हैं। फाइनली राजस्थान रॉयल मैच जीत चुकी है 3 विकेट से। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, 6 लास्ट बॉल पे हेटवा ने 6 लगा दिया, इससे राजस्थान रॉयल मैच जीत चुकी है। फाइनली हम मैच देख के बाहर आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं अपने घर। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैच देखने के बाद स्टेडियम से लोग निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, कुछ नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ सीधे सीधे दिख रहे हैं सबके। इस भीड़ में हम जा रहे हैं सब। ये ग्रेविल रो रहा है गोद में आने के लिए। ग्रेविल निकल जाए साइड में। ग्रेविल हाय। हमारी गाड़ी बहुत दूर खड़ी है, तो हमें बहुत दूर तक पैदल चल के जाना होगा। तरताली इतना दूर है। ग्रेविल को कभी मैं गोद में ले रहा हूँ, कभी उसकी मम्मी, और कभी उसको पैदल चला रहे हैं, बहुत दूर है। ग्रेविल हमारे साथ है और भविका हमारे मामू के साथ चली गई है हमसे आगे आगे।
फाइनली हम हमारी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। ये हमारी कार, लोग स्टेडियम से बहुत दूर खड़ी थी। पहले ही अपने मामू के साथ आ चुकी है और वो गाड़ी में बैठ रही है। हाँ खा लो। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने घर। पवका को भूख लगी है तो पॉपकॉर्न खा रही है। रात के लगभग 12 बजे है, बहुत लेट हो चुके हैं बेटा। और भूख लग रही है, घर जाके खाना खाऊंगा। मम्मी की कैप, ये पूरे में से मम्मी की कैप, राउंड वाले बॉटल जो थी वही वाले मेरी मम्मी, वो वाले बड़ी वाली कैप थी। हाँ, मेरी जैसी कैप थी मम्मी की। वेरी गुड मम्मा, आपकी मेरी जैसी कैप थी ना। और सभी घर पहुंचने वाले हैं, रात का 1 बज चुका है, हम घर पहुंच चुके हैं। अब हम नीचे उतरेंगे। बच्चे तो गाड़ी में सो गए थे, इनको यहाँ ला के सुला दिया। हम 1 बजे घर पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो सब बोल रहे हैं कि आज एडिटिंग नहीं करनी है, सो जाओ और सुबह हमें अपने घर भी जाना है। फाइनली गाइस, मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।